दोस्तों आज सिखाऊंगी ये पतिंग वाला टेरगान। ये देखें कितना सुंदर लग रहा है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। दो फिंदों से बना के डोरमेट, ये देखें दो फिंदे हमने इस तरह से डाल दिए। अब दो फिंदे से किस तरह से बनेगा ये देखें। ये वाली मैं सिलाई इसी तरह से निकाल लूंगी। अब इधर से देखें इस तरह से मैं सिलाई पे अंटा डालूंगी, एक फिंदे को बढ़ा लूंगी। ये देखें इधर से भी हम अंटा लगाते हुए सिलाई पे, ऊपर की साइड अंटा नहीं लगाएंगे, नीचे की साइड से अंटा लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, देखें अंटा इस तरह से लगाएंगे। ये अंटा नीचे की साइड से लगाते हुए हम फिंदे बढ़ा रहे हैं। ये देखें इस तरह से हम फिंदे बढ़ाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ये देखें हम इस तरह से अंटा लगा लेते हैं, इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये देखें इस तरह से, तो मैं इधर सात फिंदे बढ़ाऊंगी और इधर सात फिंदे बढ़ाऊंगी, और दो फिंदे मेरे बीच में ये है, तो मैं सात सात फिंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे की डिजाइन आपको दिखा। फिंदे कर लिए हैं, दो फिंदे मेरे बीच में है और सात इधर सात इधर, तो 14 जो हो गए और दो बीच में है तो 16 फिंदे। अब देखें मैं डिजाइन स्टार्ट करूंगी। इसको मैं यहाँ पे फिंदे को बढ़ा लूंगी इस तरह से। अब देखें हम ब्लैक कलर लेंगे, अब उल्टी साइड से हमें एक सिलाई को इस तरह से बनाने हैं। एक फिंदे को हम ब्लैक करेंगे और एक फिंदे को ग्रीन करेंगे। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। मैंने इधर से पूरी बना ली है, अब इधर से हमें भी फिंदा बढ़ाना है फिर से, तो देखें इस तरह से हम फिर से फिंदे को बढ़ा लेंगे। अब जो जैसे कलर के हैं उसी कलर से बनाना है। एक फिंदे को हम ग्रीन से बनाएंगे तो एक फिंदे को हम वो ब्लैक से बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये डिजाइन पड़ चुकी है। अब हमें आठ सिलाई ये ग्रीन से बनानी है, फिर एक हम सिलाई को दो सिलाई को हम ये ब्लैक लगा लेंगे दो सिलाई पे, फिर उसके बाद हम चार निकालेंगे तो ये टोटल हम 34 फिंदे बढ़ा लेंगे और फिंदे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। ये देखें इस तरह से अब सारे फिंदे हम इसी वाले कलर से बनाएंगे। जब आठ सिलाई निकाल लेंगे तो ब्लैक से दो सिलाई निकाल देंगे, फिर आठ सिलाई निकालेंगे तो ये वाली चोटी बना लेंगे। तो मैं इतना बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। अब यहाँ पे गिने 1 2 3 4 चार सिलाई हमने इधर से निकाली, चार उधर से निकाली, फिर देखे हमने दो सिलाई ये ब्लैक की निकाल ली, 1 2 3 4, तो चार इधर से चार उधर से।
अब यहाँ पे हमने जब हमने ये चोटी बनाई है तो यहाँ पे हमने फिंदे नहीं बढ़ाए हैं, तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 34 फिंदे हैं। 34 फिंदे के बाद अब हम ये वाला कलर नहीं लगाएंगे, अब ब्लैक से मैं बनाऊंगी। ये देखें यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे हमने फिंदे नहीं बढ़ाए थे, तो ये हमने जब चोटी बनाई है तो फिंदे नहीं बढ़ाए थे सिर्फ, और यहाँ तक हम फिंदे 34 कर लिए थे। अब एक एक फिंदे को हमें घटाना है, जिस तरह से हमने बढ़ाए हुए हैं उसी तरह से हमें घटाना भी है। इधर से हम देखें 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से हम 4 इधर से सिलाई और 4 इधर से, तो मैं निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 4 सिलाई मैंने इधर से निकाली, 4 इधर से, तो अब देखें यहाँ पे हम फिंदे कम करते जाएंगे। अब हमने 2 सिलाई जिस तरह से हमने यहाँ पे ब्लैक की निकाली हुई है, तो अब ये ग्रीन की हम 2 सिलाई निकालेंगे, तो निकाल लेती हूँ फिर दिखाने। यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल ली है, 2 सिलाई निकाल ली है जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब मुझे फिर 4 सिलाई, वो 4 इधर से 4 उधर से सिलाई निकालनी होगी ब्लैक की, तो इसी तरह से ये फिंदे हम कम करते जाएंगे और ब्लैक की सिलाइयाँ इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। तो ब्लैक वाली हम 4 इधर से 4 उधर से निकाल लेते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। निकाल ली 4 उधर से निकाल ली। अब हमें क्या करना है, ये वाली चोटी बनानी है, तो देखें किस तरह से हम चोटी बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे, इस तरह से। अब जो ये वाला धागा है वो हम बैक साइड लाएंगे, इस तरह से एक ब्लैक का होगा तो एक ये ग्रीन का होगा, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। पूरी रो हमने कंप्लीट की, अब देखें इधर से इसको हम बना लेंगे इस तरह से, 2 का 1 कर दिया यहाँ पे इसी तरह से। इस तरह से हम पूरी रो निकालेंगे, तो निकाल लेती हूँ कि तैयार हो गई है। अब इस तरह से हमें 4 सिलाई निकालनी है, 2 इधर से तो 2 उधर से, तो मैं निकालती हूँ। यहाँ पे 8 फिंदे बचे हुए हैं, तो इधर से एक और सिलाई निकाल लेंगे इस तरह से, तो 8 फिंदे बचे हुए हैं जब हम ये सिलाई निकालने के बाद। अब गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 4 × 8। अब देखें 2, 3, 4। अब यहाँ से देखें इस तरह से हम फिंदे को एक को बढ़ाएंगे, एक बढ़ गया, इधर भी एक बढ़ा लेंगे, ये देखें इस तरह से फिंदे बढ़ा लेना है, और 20 से हम फिंदे बढ़ाएंगे। आप 9 फिंदे रखें चाहे 8 रखें, आपको जिस तरह से सुविधा हो।
मैंने आठ ही रखे हैं तो आठ ही से मैंने बढ़ाना चालू कर दिया है। ये देखें एक एक फिंदे को बढ़ाती जा रही हूँ। इधर से ये सादा सादा है, जो बढ़ाए हुए फिंदे हैं उनको मैं बुन लेती हूँ। एक बार और देख लें, इसको हम उतार लेंगे। और इधर से देखें इस तरह से, फिर देखें तो दो फिंदे बढ़ा लिए मैंने। इसी तरह से दो दो और फिंदे बढ़ाएंगे, फिर मैं आगे का आपको बता। फिंदे बढ़ा लिए, देखें कितने बढ़ाए, एक दो तीन चार और ऊपर वाला पांच, पांच फिंदे मैंने इधर बढ़ा लिए, पांच इधर बढ़ा लिए। अब देखें आगे का हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे दो का एक, अब मैं इसको उतार दूंगी। इस तरह से इसको उतारना है। सारे फिंदे इसी तरह से उतारने हैं, तो उतार लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा। इसी तरह से आप बड़ा बनाना चाहती हो तो आप बड़ा बना सकती हैं।